We were carry on where we stopped last week. जहां हम पिछले सप्ताह रुके थे वहीं से आज हम फिर से शुरुआत करेंगे. The last 2 weeks we've been speaking about growing in faith. How as we look to the Lord who is the author and finisher of our faith, we can grow in faith. और पिछली बार हमने देखा था कि कैसे हम विश्वास में बढ़ सकते हैं और हमारा प्रभु यीशु मसीह हमारे उद्धार का कारक है, वो उनके उनमें कैसे हम बढ़ सकते हैं. We looked at six resources through which we grow in faith. और हमने पिछली बार चार ऐसे दस छह ऐसे बातों को देखा था जिसके द्वारा से हम विश्वास में बढ़ते हैं. Six avenues of faith. छह मार्ग जिनमें चलकर हम हमारे विश्वास बढ़ता है. Of growth in faith. और हमारे विश्वास में बढ़ोतरी का कारण होता है. Hebrews 12:2 says, of faith. इब्रानियों 12 दूसरी आयत में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह हमारे विश्वास का कर्ता है. He is the author and finisher. He sustains our faith, he builds our faith and the source of our faith. प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो हमारे विश्वास का कर्ता है और सिद्ध करने वाला यीशु है. So the first step to grow in faith is to ask him to increase our faith as the disciples asked him in Luke 17:5, a prayer for increase of faith. और जैसे लुका 17:5 में चेलों ने प्रभु से प्रार्थना किया कि हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ा, ऐसे हमें प्रभु से प्रार्थना करना है, प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए. And he is a living God, even today he increases our faith. और वो हमारा परमेश्वर जो है वो जीवित परमेश्वर है और आज भी हमारे विश्वास को वो बढ़ाते हैं. And number two, a faith comes from, a faith grows by as we hear the word of God and read the word of God. Romans 10:17. और रोमियो 10:17 के आधार पर हम जैसे जैसे प्रभु के वचन को पढ़ते हैं और सुनते हैं और सुनना मसीह के वचन से होता है. Now when we pray for something, you must also know how God answers that prayer. और जैसे जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमें मालूम होना चाहिए कि प्रभु का तरीका क्या है उत्तर देने का. When we pray for increase of faith, we should recognize how God answers that prayer, how he gives us resources by which our faith increases. One of them is being able to hear and read the word of God. और जब हम प्रभु से प्रार्थना करते हैं, हे प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाइए, तो हमें ये जानना चाहिए कि हम ऐसा कौन सा तरीका है जिसके द्वारा से प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाएंगे. वो यही है कि हमारे को वचन को सुनना है, वचन को पढ़ना है. He gives opportunities to hear the word of God and read the word of God, that our faith increases. Romans chapter 10 verse 17. और रोमियो 10:17 के अनुसार प्रभु हमें ऐसा अवसर देते हैं कि हमें वचन को सुनने का अवसर मिले और परमेश्वर का वचन को हमें पढ़ने का अवसर मिले. As we obey God's word, we are going to be blessed to God's word. We also have difficulties in life, but these difficulties come to further refine our faith. और जब हम जैसे प्रभु की आज्ञा को पालन करते हैं तो प्रभु हमारे विश्वास को बढ़ाते हैं. और लेकिन हमारे जीवन में कई बार कठिनाइयां भी आती हैं, परीक्षाएं भी आती हैं, और ये परीक्षाएं कठिनाइयां जब आती हैं तो हमारा विश्वास इनमें से निकलने के द्वारा से बढ़ता है. In 1 Peter chapter 1, 6 and 7, very clearly the word of God says why we face difficulties in life as we obey the Lord. और पहला पत्रस उसका पहला अध्याय और उसकी 6 और 7 आयत में हम ऐसा पढ़ते हैं कि हमारा जब हमारा परखा हुआ विश्वास है वो प्रभु के द्वारा से बढ़ता है. In verse 6 says, while living in this world, we have to suffer grief in all kinds of trials. और छठी आयत में लिखा है कि जब हम इस पृथ्वी पर दिन बिताते हैं तो हमें नाना प्रकार की परीक्षाएं होती हैं. These have come, verse 7 says, these have come, there are faith of greater worth than gold, which perishes even though refined by fire, may be proved genuine. और सातवीं आयत ऐसा बताते हैं कि यह इसलिए कि हमारा परखा हुआ विश्वास जो आग के ताए हुए नाशमान सोने से कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे. Number 4 is remembering God's faithfulness in the past, what he spoke to us in the past and how we fulfilled the promise in the past. That will give us faith for the present. और चौथी बात हमने देखा था कि हम अपने बीते भूतपूर्व समय को देखते हैं, मुड़कर देखते हैं कि कैसे बीते दिनों में प्रभु ने हमारी हमसे बातें की, हमारी प्रार्थनाओं को सुना, कैसे विश्वास योग्यता से उन्होंने हमारे साथ बर्ताव किया. और जब हम उसको स्मरण करते हैं तो उसके कारण से भी हमारा विश्वास सुदृढ़ होता है. We learn from the life of Abraham how when God told him to offer Isaac a sacrifice, he must have remembered how when God told him he's going to have a son at the age of 99, when God spoke to him, he
अगेंस्ट ऑल होप इन होप ब्रीथ एंड ही हैड अ सन कॉल्ड आइज़क। और ऐसे समय में हम याद करते हैं अब्राहम को, जब अब्राहम को बेटा हुआ, परमेश्वर ने उसे 99 साल की उम्र में पुत्र दिया और परमेश्वर ने उसे कहा कि इसे तू बलिदान कर। तो जब बलिदान करने की बात हुई तब अब्राहम ने मुड़ कर देखा कि कैसे परमेश्वर विश्वास योग्य थे जिसने उसको बूढ़ी अवस्था में भी पुत्र दिया। We understand this when you compare Hebrews 11 chapter 17 to 19 with Romans 4 18 to 21. और जब हम इसका तुलना करते हैं इब्रानियों की पत्री 11वां अध्याय उसकी 17 और 18 आयत से लेकर के और दूसरा हम Romans chapter 4 verse 18 to 21 और रोमियो 4 18 से लेकर 21 तक के बीच में जब हम इसकी तुलना करते हैं तब हम इस बात को समझ पाते। So remembering God's faithfulness in the past will give us the faith to face the crisis of today. और जब हम बीते समय के बातों को स्मरण करते हैं, परमेश्वर की आशीषों को या परमेश्वर के प्रार्थना के सुनने को हम जब स्मरण करते हैं और उसके द्वारा से आज की जो वर्तमान में हमारे कठिन समय आया है उसमें हमें निकलने के लिए साहस मिलता है। नंबर 5, वी स्पोक अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हैविंग फेलोशिप विद ईच अदर, हाउ वी हैव फेलोशिप विद ईच अदर। और पांचवी बात हमने देखा था कि कैसे हमें संगति में सहभागिता में बढ़ना है और जब हम एक दूसरे के साथ संगति रखते हैं तो हम विश्वास में एक दूसरे को सुदृढ़ करते हैं और हम बढ़ते हैं विश्वास में। In fellowship we share about what God did in our lives and through us, in and through us we share testimonies and testimonies, hearing testimonies will increase our faith. और जब हम संगति में हम एक दूसरे से विश्वास की बातें करते हैं तो हम अपनी गवाही को भी बताते हैं और जब हम अपनी गवाही को बताते हैं तो एक दूसरे को हम प्रोत्साहित करते हैं। And while hearing testimonies, we remember also that God shows no favoritism. So whatever God did in somebody's life, He'll can do in our life also because He shows no favoritism. और हम जब एक दूसरे को अपनी गवाही देते हैं तो हम इस बात को अच्छे से जानते हैं कि प्रभु किसी का पक्षपात नहीं करते। जब प्रभु उनको दे सकते हैं तो प्रभु हमको भी देंगे। And number 6, we spoke about last week, the anointing of the Holy Spirit by which we receive the gift of faith. 1 Corinthians 12 chapter verse 8 और 9 verse 9 और पिछली बार हमने देखा था पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय नो 12 chapter verse 8 verse 9 sorry 1 Corinthians 12 chapter verse 9 पहला कुरिन्थियों 12 अध्याय उसकी 9वीं आयत में हमने देखा था कि परमेश्वर और न किसी को उसी आत्मा से विश्वास और किसी को उसी एक आत्मा से चंगा करने का वरदान दिया जाता है। And ninth was also about the gift of faith. That is by the Holy Spirit anointing we have a surge of faith, extra faith which you never thought we'll have. और जब हम आत्मा पवित्र आत्मा का अभिषेक हमारे जीवन में होता है तो हमारा आत्मा के द्वारा से हमारा विश्वास बढ़ता है और फिर विश्वास के बढ़ने से फिर हमें एक दान या वरदान मिलता है और वो है आत्मा के द्वारा से अभिषेक का दान। So we covered six areas, six avenues by which our faith increases. और हमने पिछली बार इन छह मार्गों को, ये छह तरीकों को देखा था, जिसके द्वारा से हमारा विश्वास बढ़ता है। While God gives us more and more faith, if we're not wise, we can allow certain factors to reduce our faith also. और अगर प्रभु जब हमें और विश्वास को हमारे बढ़ाते चलते हैं, अगर हम बुद्धिमानी से काम ना करें, तो हम कुछ ऐसी बातें हमारे जीवन में आ जाएंगी या कारण आ जाएंगे जिसके द्वारा से हमारा विश्वास घट सकता है। There are some factors that affect our faith negatively. कुछ ऐसे कारक हैं या कारण हैं जिसके द्वारा से हमारा विश्वास जो है नकारात्मक रूप से घट सकता है। And we will cover those factors. और आज हम उन कारकों को देखेंगे। I'm going to speak about four factors that affect our faith negatively. पहली बार भाई हमें चार ऐसे कारक बताएंगे जो हमारे विश्वास को नकारात्मक रूप से प्रभाव डालते हैं। And we must be wise not to allow these factors to affect our faith negatively. और हमें बुद्धिमानी से काम करना और इन कारकों को अपने जीवन में, हमारे विश्वास के जीवन में आने नहीं देना। These are opposites of faith. और ये विश्वास का विरोध है, विरोधी है। Normally when I ask a Christian what is the opposite of faith, they will say disbelief, unbelief. और कई बार हम जब लोगों से पूछते हैं कि विश्वास का विपरीत विलोम शब्द क्या है तो वो कहेंगे कि अविश्वास। Actually it's true, it is very easy to say the opposite of belief is unbelief, but what are the practical aspects of the opposites? और ये सच्चाई है कि विश्वास का विलोम तो अविश्वास ही है,
लेकिन जब हम इसको प्रायोगिक रूप से देखते हैं तो थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसे। What are these? First of all, it is sight. पहला जब तो वो देखने। In 1 Corinthians, sorry, 2 Corinthians 5:7, Paul writes, "We live by faith, not by sight." और दूसरा कुरिन्थियों 5:7 में पौलुस ऐसा लिखते हैं कि हम रूप को देखकर नहीं पर विश्वास से चलते हैं। We look at things around the world was happening and what might happen in the future. We focus on physically on these things happening and we tend to lose our faith because we think about what might happen, what could happen. It affects our faith. और कई बार हम बहुत सारी चीजों को अपने चारों ओर घटते हुए इस संसार में देखते हैं, घटित होते हुए देखते हैं, तो हमारा विश्वास डगमगाने लगता है। हम ये सोचने लगते हैं आज हुआ शायद भविष्य में मेरे साथ भी ऐसा हो सकता है और इस तरह से हम परेशान हो जाते हैं। So Abraham was 99 years old when God told him he's going to have a son. और अब्राहम को जब वो 99 साल का था तो परमेश्वर ने कहा तेरे को मैं संतान दूंगा, पुत्र दूंगा। Looking at circumstances, there was not much hope. परिस्थितियों को देखते हुए तो उसको कोई आशा नहीं थी। But Romans 4:18 says, against all hope, Abraham in hope believed. लेकिन रोमियो 4 और उसका 18 में हम देखते हैं, वहां पे ऐसा लिखा है कि उसने निराशा की आशा में विश्वास किया। Against all hope based on circumstances and what he saw, the reality of his age, against all that hope, in hope and what God spoke, परिस्थितियां थी, उसके 100 साल की उम्र थी और परिस्थितियां उसके सब चीजों में परिस्थितियां विपरीत थी, फिर भी उसने परमेश्वर की बात पर विश्वास किया और आशा रखा। So being father of many nation, as we said of him, so shall your offspring be. We are his offspring today. और जैसा एक विश्वास का पिता सब जो देशों का पिता हुआ, सब जातियों का पिता हुआ, मूल पिता विश्वास का, तो हम उसकी संतान हैं, तो हम भी उसी की तरह विश्वास रखेंगे। Goes on to say, without weakening in his faith, he faced the fact his body was as good as dead and Sarah's womb was also dead. और अगर हम देखें सच्चाई कि परिस्थितियां विपरीत थीं, वो खुद वृद्ध अवस्था में था और जो उसकी पत्नी सारा जो थी वो भी वृद्ध अवस्था में थी, और ऐसे स्थिति में भी उसने आशा रखी। He did not waver through unbelief and gave glory to God, being fully persuaded God had power to do what he had promised. और फिर उसने उसका विश्वास उसने किसी भी रीति से कमजोर नहीं होने दिया और उसने परमेश्वर की बात पर पूरा पूरा भरोसा या विश्वास रखा। With a weakening his faith, he faced the fact his body is as good as dead and he was strengthened in the faith and gave glory to God. और फिर अपनी वृद्ध अवस्था में जानता था कि मेरी देह जो है मरण अवस्था में है, मरी हुई सी अवस्था में मेरे देह है, फिर भी उसने परमेश्वर की बात पर आशा रखा। Living by faith doesn't mean you avoid the facts. You face the facts, but then you believe that God can change the facts because he goes by what he's spoken to us. विश्वास के द्वारा जीने का अर्थ ये नहीं है कि हमारी परिस्थितियां बदल जाएंगी, उन परिस्थितियों में रहकर उससे गुजरते हुए भी हम विश्वास रखें, यही विश्वास। We did not face the facts, he would have said, I'm not 100, I'm not 99, I'm 25. He would have just been lying to himself saying he's 25 years old. He was 99 years old, it's a fact. और सच्चाई तो ये थी कि वो 99 साल का था, लेकिन वो अपने मन में कह रहा था, मैं 99 का नहीं, मैं 25 साल का हूँ। या इस तरह से वो अपने आप को प्रोत्साहन दे रहा था। Like for example, sometimes when Christians fall sick, we know God can heal, and we call it, I'm healed. But you are actually sick, God can heal. But you have not yet healed. He will heal at this right time. So you have to face the fact, but believe that God can change the facts. और मान लीजिए कोई व्यक्ति बीमार है और बीमार है, वो तो ये सच्चाई है कि वो बीमार है अपने देह में, लेकिन वो मन में ये कहता है कि मैं चंगा हो गया हूँ, और अभी वो चंगा नहीं हुआ और उसको चंगाई भी मिली नहीं, लेकिन परमेश्वर उसको चंगा कर सकता है इस बात पर विश्वास करके वो ये कहता है मैं चंगा हूँ। So Abraham did not say I'm 25. He knew he was 99. But he believed what God spoke, he had faith, and he faced the fact, but then he knew that God can change the facts. और उसने अब्राहम ने मैं 25 साल का हूँ ऐसे उसने कहा नहीं, उसने घोषणा नहीं की इस बात की, लेकिन वो जानता था मैं 99 साल का हूँ, लेकिन 99 साल का हूँ, मरणासन्न वृद्ध अवस्था में हूँ, फिर भी उसने परमेश्वर की बात का विश्वास किया और विश्वास का पिता बना। We look at what's happening in the world today and we think of the future. And many people imagine what might happen in the future. If this will happen, that what will I do? But let's not forget that God has got the best plan for us for the future. और फिर आज जब हमारे संसार में हमारे चारों तरफ बहुत सारी चीजें घटनाएं घटती रहती हैं, तो बहुत सारे लोग विचलित हो जाते हैं और ये कहने लगते हैं भाई अगर ऐसा हुआ तो मेरे भविष्य का क्या होगा, मैं क्या करूंगा। लेकिन आप इस बात को याद रखें कि परमेश्वर
सब चीज का नियंत्रण कर रहे हैं, परमेश्वर हमारे लिए सबसे अच्छा प्लान बना कर रखते हैं। सेकेंड थिंग दैट अफेक्ट्स आवर फेथ इज फियर। और दूसरी बात जो हमारे विश्वास को रोकती है वो ये है भय, इन एंग्जाइटी, चिंता कर्म। और जब हम चिंता करते हैं तो जो चीज हम देखते हैं उसी चीज का हम भय खाकर चिंता करने लगते हैं। On the 14th chapter of Matthew, verse 25 to 30, very, very familiar passage. मत्ती की अंजील उसका 14 अध्याय और उसकी 25। 14th chapter of Matthew, I won't read the whole passage, I'll just refer to that passage. 25 to 33, we read about what? 25 से 33 के बीच में भाई हमें बता रहे हैं। Now, prior to that, the Lord had fed a file of और जब ये घटना प्रभु बोल रहे हैं उससे पहले प्रभु ने 5,000 लोगों को 5 रोटी 2 मछली से भोजन खिलाया था। And after that, the disciples left the place across the lake of Galilee, and the Lord went up mountainside to pray by himself to the Father in heaven. और फिर जब प्रभु ने अपने चेलों को तो विदा किया, वो झील पर गलील की ओर जाने लगे, और लेकिन प्रभु यीशु मसीह पहाड़ पर चले गए, पर्वत पर, और फिर वो प्रार्थना करने लगे एकांत में पिता से। Very often the Lord withdrew to lonely places where he prayed. और बहुत अधिकांश समय ऐसा होता था कि प्रभु एकांत में चले जाते थे और प्रार्थना करते थे। In fellowship with the Father. और पिता के साथ संगति रखते थे। There was one such occasion that after he fed them with bread and fish, he went alone, physically alone, to the mountainside to pray and spend time praying to God. और फिर ये जब प्रभु ने लोगों को भोजन खिला दिया, उसके बाद फिर वो एकांत में चले गए और पिता के साथ प्रार्थना के लिए समय। He said they had gone away and everyone had left and the boats were gone into away from the lake, and the Lord began to walk on the water. और फिर जब सब लोग अपने अपने घरों में चले गए और समुद्र में झील में नाव भी गहराई तक चली गई, और फिर प्रभु यीशु मसीह जब एकांत में अकेले आए तो वो फिर पानी पर चलने लगे। During the fourth watch of the night, he caught up with the disciples who were in a boat. और चौथे पहर में रात में आकर उन्होंने चेलों को नाव में जाके पकड़ा। Fourth watch basically means between 3 a.m. and 6 a.m. और रात का चौथा पहर का मतलब है सुबह के 3 बजे और 6 बजे के बीच का समय। There are 4 watches of the night. First watch is 9 p.m. और जो चार पहर होते हैं, पहला पहर जो है वो 6 से लेकर 9 बजे रात तक का होता है। Second watch is 9 p.m. to 12 midnight. और रात 9 बजे से लेके मध्य रात्रि 12 बजे तक का समय दूसरा पहर। Third watch is 12 midnight to 3 a.m. और तीसरा पहर जो है वो 12 बजे मध्य रात्रि से लेके सुबह 3 बजे तक का पहर है। And the fourth watch is 3 a.m. to 6 a.m. और जो चौथा पहर है वो है 3 बजे से लेके सुबह के 6 बजे तक का समय। That's when he walked on the water and saw the disciples who were in a boat. और प्रभु उस समय में पानी पर चल रहे थे और उन्होंने देखा कि चेले नाव में हैं। Whenever I take a group to Israel, normally we stay in a hotel on the shore of the Lake of Galilee. और भाई जब अपने साथ कुछ लोगों को लेकर के इज़राइल के टूर पर जाते हैं तो वो गलील के पूर्व की ओर जो झील है होटल है वहां पे ठहरते हैं। And seven times I've been there, and I'm going 8th time next month. And last 5 times, I used to, early morning between 3 a.m. and 6 a.m. I take a group of people who are willing to get up early morning, and we go to the shore of the Lake of Galilee and look at the water far ahead. और फिर भाई जब भाई कहते हैं मैं 7 बार जा चुका हूँ और 8वीं बार अगले महीने जा रहे हैं इज़राइल, और जब वो अपने साथ जाते हैं कुछ लोगों को लेकर के तो सुबह जो उठने को तैयार हैं 3 बजे से 6 बजे तक, उस में वो झील के देते हैं। At 4 a.m. we go there, everything very still, hardly any lights, and I ask them look at the Lake of Galilee. It will be very black, it will be very silent and very airy atmosphere. It will imagine Jesus walking on the water. It gives you goosebumps, that particular experience. और फिर भाई कहते हैं कि जब गलील के उस झील के किनारे हम खड़े होते हैं तो रात के 4 बजे का समय ऐसा लगता है चारों तरफ अंधकार है और वो झील का पानी काला सा दिखाई देता है,
और ऐसे में हमें अंदर से अंदर शायद कुछ गूज़बम्प रोंगटे खड़े हो जाएंगे ऐसा लगेगा. एंड इट्स वेरी एक्साइटिंग टू एक्सपीरियंस दैट. और वो ये बड़ा इसको देखना बड़ा उत्तेजक होता है या परेशान करने वाला भी हो सकता है. एंड 30-40 पीपल कम अर्ली मॉर्निंग विद मी. नॉर्मली आई गेट वी गेट अ होटल अबाउट 500 यार्ड्स अवे फ्रॉम द लेक ऑफ गैलिली फ्रॉम द शोर. और भाई को जो होटल मिलता है वो लगभग 500 गज दूर होता है और लेकिन 30-40 लोग फिर भी सुबह उठकर आते हैं देखने के लिए. And that make us understand how the disciples they saw Jesus walking in the water, how they got scared, looking, they thought it was a ghost. और फिर जब वो चेले जब उस अंधकार में उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को देखा पानी पर चलते हुए, पहले तो देखा कैसे और देखा तो फिर वो डर गए कि कहीं भूत तो नहीं चलकर आ रहा. They got scared. वो डर गए, भयभीत हो गए. And the Lord says, "It is only I. Do not be afraid." प्रभु ने कहा, डरो मत, मैं हूँ. Take courage. It is I. ढाड़स बांधो, मैं हूं. They saw him walking on the water. They thought he was a ghost. They were scared. And the Lord says, "Take courage, it's only I." तो चेलों ने झील पर चलते हुए देखकर प्रभु को घबरा गए और कहने लगे वो भूत है. तो वो डर के मारे चिल्ला उठे. प्रभु यीशु मसीह ने तुरंत उनसे बातें की और कहा, ढाड़स बांधो, मैं हूं, डरो मत. And Peter says, "If it is you, tell me to come to you on the water." तो पतरस ने कहा कि हे प्रभु, यदि तू ही है तो मुझे अपने पास पानी पर चलकर आने की आज्ञा दे. And the Lord says, "Come." और प्रभु ने कहा, आ. So Peter had seen Jesus, he had heard Jesus. पतरस ने प्रभु को देखा भी था और पतरस ने प्रभु की बात को सुना भी था. He says, "Come." He recognizes the voice and therefore gets out of the water, out of the boat and walks on the water. Peter walks on the water. और पतरस को जब प्रभु ने कहा आ, तो उस बात को पतरस ने सुना और सुनने के बाद पतरस उतरा और पानी पर चलने लगा. पतरस पानी पर चलने लगा. He saw Jesus, he heard Jesus and did something unimaginable walking on the water. पतरस ने प्रभु को देखा, यीशु मसीह को देखा, उसने प्रभु यीशु मसीह को सुना और प्रभु यीशु मसीह की आवाज को सुनकर वो पानी पर चलने लगा. And then he saw the winds and the waves and then he is beginning to see Christ or Jesus to save him. वो हवा को देखकर डर गया और फिर डूबने लगा तो उसने चिल्ला कर कहा, हे प्रभु, मुझे बचा. He saw the wind and the waves and beginning to sink. Now he was a fisherman. How can a fisherman sink? He knows swimming. और हवा को देखकर डर गया और वो तो मछुआरा था. मछुआरा कैसे डूब सकता है? Along with Jesus, faith will increase. He saw Jesus and he looked at the water and then realized, I am walking in the water. This should not happen. It's very unusual. And he begins to sink. और फिर उसने प्रभु की आवाज को सुना, प्रभु को देखा भी उसने और फिर उसके बाद उतर कर चलने लगा. लेकिन जब उसने चलने लगा अपने चारों ओर उसने देखा, अरे मैं पानी पर चल रहा हूँ और ये तो ऐसा तो हो नहीं सकता कि मनुष्य पानी पर चले. उस बात को देखकर वो डर गया. When he saw the winds and the waves, he became afraid. It says, 14th chapter of Matthew, verse 30 says, he got scared. और मत्ती 14 उसके 30 में लिखा है कि वो हवा को देखकर डर गया और जब डूबने लगा. You can't look at Jesus and the waves at the same time. आप एक ही समय में प्रभु यीशु मसीह को भी देखते रहें और एक ही समय में आप पानी को भी देख लें, दोनों नहीं हो सकता. Doesn't happen like that. When he saw Jesus, he walked on the water. They looked down. He doubted and began to sink. और जब उसने प्रभु यीशु मसीह को देखा, प्रभु यीशु मसीह की ओर देख रहा था, प्रभु यीशु मसीह की वाणी को सुन रहा था और वो पानी पर चलने लगा. लेकिन जब उसने झुककर देखा कि अरे मैं तो पानी पर चल रहा हूँ और उसने नीचे वो मैं क्या कर रहा हूँ, ये मेरे से कैसे क्या हो रहा है, ये देख करके और हवा को देखने लगा, हवा को देख कर डर गया और फिर डूबने लगा. So Hebrews 12:2 says, "Fix your eyes on Jesus, the author and perfecter of your faith." तो इब्रानियों 12 और उसकी दूसरी आयत ऐसा लिखता है कि अपने विश्वास के कर्ता और सिद्ध करने वाले यीशु की ओर ताकते रहो. Today we don't see him physically, but the eyes of our heart are enlightened, look at things above, hearts and minds on things above, and then when we have faith, there won't be any fear. तो हम आज के समय में हम प्रभु यीशु मसीह को भौतिक रूप से तो नहीं देख सकते, लेकिन जब हम आत्मिक रूप से प्रभु को देखते हैं तो हमारी आंखों में मन की आंखें ज्योतिर्मय होती हैं और भय चला जाता है. So fear is an effect of keeping on looking at the circumstances
and get carried away by circumstances. तो भय हमारे जीवन में, घबराहट हमारे जीवन में आती है तब जब हम संसार और परिस्थितियों को देखते हैं। The third thing affects our faith is doubt. और तीसरी बात जो हमारे विश्वास को कम कमजोर करती है वो ये है कि हम शक करना या प्रभु पर भरोसा नहीं रखना। In fact, in the same incident, we find when Jesus, when he begins to save me, Lord, Lord, doesn't you a little faith? Why did you doubt? और जब उसी भाग में मत्ती 14 में हम देखते हैं जब प्रभु को पतरस ने पुकार कर कहा कि हे प्रभु मुझे बचा, उस समय प्रभु ने कहा हे अल्पविश्वासी तूने संदेह क्यों किया? Now why you doubt that you can walk on the water? You are walking on the water. Now why you suddenly doubt you cannot walk on the water? तूने संदेह क्यों किया कि मैं पानी पर नहीं चल सकता और तूने देखा कि मैं पानी पर चल रहा हूँ, तूने संदेह करना शुरू किया? You saw me, you heard me, I said come, you are coming, why suddenly think of thinking? तूने मेरे को देखा, तूने मेरी वाणी को भी सुना, मैंने जब तुझे कहा आ, तो तू आ भी रहा था, फिर तू इधर उधर क्यों ताकने लगा? Why you doubt? तूने संदेह क्यों किया? So doubt affects our faith. तो संदेह जो है वो हमारे विश्वास को हिला देता है या कमजोर कर देता है. When you have doubts, the Lord will clear the doubts. He is so faithful, he is so loving, he will clear our doubts. अगर हमें संदेह है किसी बात में तो प्रभु उससे पूछें और प्रभु हमारे सारे संदेह को दूर करते हैं। Even John the Baptist was great in the sight of God had doubts. और यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जो परमेश्वर की दृष्टि में महान भविष्यवक्ता है, वो हम देखते हैं कि उसको भी कभी कभी संदेह हुआ। He's the only one in the Bible referred to as great in the sight of God before he's born as a prophecy in Luke 1:15. और लुका 1:15 में हम देखते हैं उसके लिए भविष्यवाणी की गई थी कि वो परमेश्वर की दृष्टि में महान हुआ। And also Jesus confirmed that in Matthew 11:11, among him no one born of woman greater than John the Baptist, but no one greater than John the Baptist among those born of woman. और फिर मत्ती 11:11 में भी प्रभु ने कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ जो स्त्रियों में जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बड़ा कोई नहीं हुआ। At what point of time did Jesus say there's no one greater than John the Baptist? और कौन सा ऐसा समय था जब प्रभु ने कहा कि योना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा पैदा नहीं हुआ? At a time when he was doubting his own prophecy. उस समय में जब योना बपतिस्मा देने वाला खुद अपनी भविष्यवाणी के ऊपर संदेह कर रहा था। He had earlier told people, his disciples, in John 9, look the Lamb of God that takes away the sins of the world. और हम पढ़ते हैं योना 29वें अध्याय में, सॉरी देखो परमेश्वर का मेमना जो जगत के पाप को उठा ले जाता है। जॉन द बैप्टिस्ट टेलिंग हिज ओन डिसिपल्स लुक द मैन लैम्ब ऑफ गॉड। कौन ये बात कह रहा है? यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला ये बात कह रहा है, देखो परमेश्वर का मेमना। ही प्रोफेसाइड pointing to Jesus, look at him, he is the Lamb of God that takes the sins of the world. उसने भविष्यवाणी की और प्रभु यीशु मसीह की ओर देखते हुए उसने कहा, देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता। Meaning he is a Passover lamb referred to in the Old Testament, symbolic of the Messiah. Christ is the Passover lamb, the Bible says in 1 Corinthians 5:7. और इसका अर्थ यह है कि प्रभु यीशु मसीह फसह का मेमना है, जो पहला कुरिन्थियों 5:7 में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह फसह का मेमना है। He had prophesied that this is the Lamb of God that takes the sins of the world. और उसने यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने ये भविष्यवाणी की कि देखो ये परमेश्वर का मेमना है जो जगत के पाप उठा ले जाता है। When we read 11th chapter of Matthew, the first few verses, when he was in prison, he is put in prison by King Herod Antipas, and is about to be executed. And from prison, in that difficult circumstance, he is doubting his own prophecy. और जब ये यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जिसको हेरोद ने कैद खाने में डाल दिया था और इससे पहले कि उसको मारा जाए, वो उस समय कैद में था और उस समय में वो अपनी ही भविष्यवाणी पर संदेह कर रहा। He sent messengers to Jesus. उसने प्रभु यीशु मसीह के पास संदेशवाहक भेजे। Go and find out, is he the one or we look for someone else? उसने कहा जाओ जाकर के उनसे पूछो कि क्या आने वाला तू ही है या हम किसी दूसरे की बाट जो है। The Lord does not condemn him for doubting. लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने उसको किसी रीति से नकारा नहीं कि तू क्यों शक कर रहा है, संदेह कर रहा है। He clarifies the doubt. प्रभु ने उसके
शक को, उसके संदेह को का उत्तर दिया. Tell the messengers, go and tell him. प्रभु ने कहा जाकर उनसे कहो. The blind receive their sight. अंधे देखते हैं. The lame walk. लंगड़े चलते फिरते हैं. Deaf ears are open. और बहरे सुनते हैं. Those who are leprosy are healed. थोड़ी शुद्ध किए जाते हैं. Good news is preached. और फिर सुसमाचार सुनाया जाता है. People are delivered of demons. और जो दुष्टात्माओं से लोगों को छुड़ाया जाता है. Go and tell them that. जाकर बताओ. So these are signs that the Israelites look forward to the Messiah would do when he comes. और यही वो चिन्ह है जो प्रभु जब मसीहा आएगा तो वो इन चिन्हों को करेगा. In the same and we have doubts today. The Lord will clarify the doubt. So when God clarifies the doubt, then we must accept it. That's all. Nothing wrong in having a doubt. But if हमारे आज के जीवन में अगर हमारे को कोई संदेह है तो हम प्रभु से कहेंगे तो प्रभु हमारे सारे संदेह को दूर कर दे. How gracious our Lord is at a time when John the Baptist doubting his own prophecy, Lord tells people, look at him. There's no one greater than him. और फिर जब कितना प्रभु हमारा कितना सहनशील प्रभु है जब वो अपनी ही भविष्यवाणी पर यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला शक कर रहा है, ये संदेह कर रहा है, तब प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं कि ये देखो उसकी तरफ देखो, इससे बड़ा कोई स्त्रियों से नहीं जन्मा भविष्यवक्ता परमेश्वर का. So when you have doubts, nothing wrong, but if you keep on allowing the doubt to multiply in the mind, then affects our faith. अगर हमारे मन में कभी ऐसा संदेह आता है तो ये गलत नहीं है, लेकिन अगर हम उसको कई गुणा भाग करने कई गुणा गुणावाद गुणा कर देते हैं तब वो गलत है. The Holy Spirit leads us into all truth. He will clarify the doubt. सबसे बड़ी बात ये है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के पास जाए, वो हमारे सारे शक संदेह को दूर करते. The third thing affects our faith is doubt. First is today we spoke about what is the first thing we spoke about? sight. देखने के द्वारा. Second is fear. भय के द्वारा. Third is doubt. तीसरा शक के द्वारा. And fourth is having a bad conscience. और चौथा जो है वो हमारा जो अंतरात्मा है वो सही नहीं होना. विवेक. विवेक सही ना होना. A conscience should be very clean and right before God, then faith will be intact. हमारा विवेक परमेश्वर के साथ प्रभु यीशु मसीह के सम्मुख बिल्कुल साफ सुथरा होना चाहिए. In 1 Timothy chapter 1 18-19 Paul said. पहला तिमोथी chapter 1 उसका पहला अध्याय 18-19 आयत को हम पढ़ेंगे. वहां पर लिखा है, हे पुत्र तिमोथियस, उन भविष्यवाणियों के अनुसार जो पहले तेरे विषय में की गई थी, मैं ये आज्ञा सौंपता हूं कि तू उनके अनुसार अच्छी लड़ाई को लड़ता रहे और विश्वास और उस अच्छे विवेक को थामे रहे जिसे दूर करने के कारण कितनों का विश्वास रूपी जहाज डूब गया. विश्वास और सफेद विवेक. क्लीन कॉन्शियंस. डोंट नेग्लेक्ट फेथ एंड अ क्लियर क्लीन कॉन्शियंस. तो हमारा जो शुद्ध विवेक और और शुद्ध विवेक अच्छा विवेक और विश्वास. We neglect having a clear conscience, then it affects shipwreck our faith. Our faith gets affected. अगर हम अपने विवेक को शुद्ध या साफ नहीं रखेंगे, अच्छा नहीं रखेंगे, तो हमारा विश्वास रूपी जहाज डूब जाएगा. A very simple to keep a clean conscience. Simply go to Jesus, ask him, thank him for the blood that cleanses you. And the blood of Christ by faith cleanses every bad conscience. तो जब हमें अपने विवेक को शुद्ध करना है, साफ करना है, तो हमें कुछ नहीं करना. हमें प्रभु यीशु मसीह के पास जाना और प्रभु से ये कहना है कि हे प्रभु, मेरे विवेक को शुद्ध पवित्र करें. We repent of our sins. हम अपने पापों से क्षमा मांगे, पश्चाताप करें. Not just confess it, we confess and repent and put it behind, then we have a clean conscience because God, our hearts are purified by faith. हमें सिर्फ अपने पापों को मानना ही नहीं है, पापों को मानना है, पश्चाताप करना है, मानना है और फिर उनको छोड़ देना है और फिर हम अपने विवेक को शुद्ध करके प्रभु के पास चलना है. In Hebrews 10:14 says, by one sacrifice he has made perfect forever those who are being made holy. और इब्रानियों 10 और 14 में प्रभु यीशु मसीह के बारे में ऐसा लिखा है, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है. Hebrews 10:22 says, our hearts are sprinkled to cleanse us from a guilty conscience. और इब्रानियों 10:22 में हम पढ़ते हैं, तो आओ हम सच्चे मन पूरे विश्वास के साथ
और विवेक को दोष दूर करने के लिए हृदय पर छिड़काव लेकर और देह को शुद्ध जल से धुलवाकर परमेश्वर के समीप जाएं। The devil tries to put the guilty conscience in us by accusing us before the Father in heaven. Revelation 12:10 says. और शैतान जो है वो परमेश्वर के सामने हमें हमारे ऊपर दोष लगाता है। प्रकाशित वाक्य 12 और उसके 10 में पढ़ते हैं, फिर मैंने स्वर्ग पर ये बड़ा शब्द आते हुए सुना और अब हमारे परमेश्वर का उद्धार और सामर्थ और राज्य और उसके मसीहा का अधिकार प्रकट हुआ है, क्योंकि हमारे भाइयों पर दोष लगाने वाला जो रात दिन हमारे परमेश्वर के सामने उन पर दोष लगाया करता था गिरा दिया गया। They will use these people to accuse us, and when people accuse us, we develop sometimes guilt. और जब शैतान लोगों का इस्तेमाल करता है कि वो हमारे ऊपर दोष लगाए, और जब हमारे ऊपर दोष लगाया जाता है तो हमारे अंदर एक आत्मगलानी की भावना आ जाती है। Revelation 12:11 says how we can have victory. और प्रकाशित वाक्य 12 और उसी 11वीं आयत में लिखा है कि हम कैसे इस पर विजय प्राप्त कर सकते हैं, और मैंने मेमने के लहू के कारण और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जयवंत हुए हैं और उन्हें अपने प्राणों को प्रिय न जानना यहां तक कि मृत्यु भी सह ली। We overcome the accuser by the blood of the lamb and by the word of our testament, testifying to what the blood has done for us. और हम मेमने के लहू के द्वारा से हम उस उन दोषों का और उन गवाहियों को जो हमारे विरोध में है उन पर हम विजय प्राप्त करते हैं। The key to Paul's ministry also was the fact that he always kept a clean conscience. और पौलुस का भी एक सफल सेवकाई का कारण यही था कि उसका विवेक सदैव परमेश्वर के सामने शुद्ध था। Look at two verses and we close. One is Acts 23rd chapter verse 1 and then 2 Timothy chapter 1 verse 3. और हम दो आयतों को देखेंगे, प्रेरितों के काम 23:1। पौलुस ने महासभा की ओर टकटकी लगाकर देखा और कहा, हे भाइयों, मैंने आज तक परमेश्वर के लिए बिल्कुल सच्चे विवेक से जीवन बिताया है। और दूसरा हम देखेंगे दूसरा तिमोथियस उसका पहला अध्याय उसकी तीसरी आयत, वहां पर ऐसा लिखा है, जिस परमेश्वर की सेवा मैं अपने बाप दादों की रीति पर शुद्ध विवेक से करता आया हूं उसका धन्यवाद हो कि अपनी प्रार्थनाओं में तुझे लगातार स्मरण रखता हूं। शुद्ध विवेक, क्लीन कॉन्शियंस, सो वी शुड ऑलवेज एंश्योर वी हैव अ क्लीन कॉन्शियंस। व्हेन वी हैव अ क्लीन कॉन्शियंस देन इट विल नॉट अफेक्ट आवर फेथ नेगेटिवली, बट वी विल प्रिजर्व व्हाटएवर गॉड हैज डन फॉर अस एंड प्रेज एंड थैंक गॉड फॉर व्हाटएवर हु ही इज टू अस, हु वी आर टू हिम। और सबसे पहले हमारा विवेक शुद्ध होना चाहिए। अगर हमारा विवेक शुद्ध है तो हम अपने प्रभु के साथ चलेंगे और हम इस बात को समझेंगे कि हम प्रभु के लिए क्या हैं और प्रभु हमारे लिए क्या स्थान रखते हैं। The blood of Christ cleanses our conscience from every sin and makes us pure and perfect. प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है और हमारे विवेक को शुद्ध करके प्रकट करता है परमेश्वर के सामने। God bless you all and we'll meet again next Wednesday. और प्रभु